हाय, कैसे हो माय डियर ऑल लवली फैंस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा तो गाइस सबको पता होगा कि यहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी हिंट आ जाता है, मैं ऑन द स्पॉट सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। इवन कौन से समय कौन सी कॉइन के अंदर ट्रेड करना होता है और कौन से समय कौन सी कॉइन के अंदर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ता है, सारे की सारी जो अपडेट्स होता है एक बिगिनर्स को, एक ट्रेडर्स को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने के लिए मिल जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप बड़ी आसानी से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं आज की इस वीडियो की टॉपिक की। गई जो लूना 2.0 को लेकर काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। जो लूना 2.0 का जो प्राइस है ज़रा सा भी इंक्रीज होते हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल के डेट के अंदर पूरी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा एक ग्रोथ देखने के लिए मिला था, लेकिन गाइस लूना कॉइन के अंदर कोई भी जो रिकवरी हमको देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन गाइस आज के दिन में हम सबसे पहले लूना कॉइन को चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लूना कॉइन का जो प्राइस है और कितना ज़्यादा डंप जा सकता है या और भी ज़्यादा यहाँ पर पंप होंगे, अगर पंप होंगे तो कितना ज़्यादा पंप हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं लूना कॉइन को लेकर, इस सारी की सारी जो अपडेट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने लूना कॉइन के अंदर अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइस उससे पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लूना कॉइन के अंदर नज़र डाल के देखें तो लूना कॉइन का जो प्राइस है यहाँ से लगातार डंप जाते हुआ नज़र आ रहा है। कॉइन का जो प्राइस है यहाँ से अच्छा खासा मूव लिया था और उसके बाद में डंप जब आता रहा यहाँ से, मैंने आपको सपोर्ट बताया था $6 पर, $6 पर काफ़ी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था। 6 से 7 दिन जो प्राइस है यहाँ पर रुका हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर $6 को भी ब्रेकडाउन कर ली, यहाँ से एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला, फिर से थोड़ा सा ग्रोथ आई थी, फिर से और थोड़ा सा ग्रोथ आई, उसके बाद में फिर से हमको जो यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी समय के बीच में अगर मैं बात करूँ तो लूना कॉइन का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था $6 को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर लिया, तो अभी समय के बीच में यहाँ पर जो $4 पर एक सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये $6 को अगर ब्रेकडाउन कर ली तो यहाँ पर $4 को भी ब्रेकडाउन कर सकते हैं, तो मतलब मैं $6 पर जितना गारंटी दिया था उतना गारंटी मैं यहाँ पर $4 पर नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर डंप आ रहा है और यहाँ से जिस हिसाब से यहाँ पर एक कैंडल देखने के लिए मिला, रेड कैंडल, यहाँ पर भी रेड कैंडल देखने के लिए मिला और यहाँ से और एक रेड कैंडल स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर $4 को ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ प्राइस आ सकता है। लेकिन अभी समय के बीच में $4 पर लूना कॉइन को अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। आज के दिन में पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर नज़र डाल के देखें तो मार्केट यहाँ पर फिर से डंप जाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर गाइस जो मार्केट है 94 ट्रिलियन पर आ चुका है, 4.71% मार्केट यहाँ पर डंप जाते हुए नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें 4.48% यहाँ पर डंप जाते हुए नज़र आ रहा है। इथेरियम का जो प्राइस है यहाँ पर 6.81% डंप जाते हुए नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा जो गिरावट है हमको यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी समय के बीच में लूना कॉइन का जो प्राइस है यहाँ पर रिकवर होना या पम्प होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है डाउन जा रहा है। अगर मार्केट पम्प होता है तो उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा पम्प की उम्मीद कर सकते हैं लूना कॉइन के अंदर। तो अगर अभी समय के बीच में बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी सेंसस नहीं है लूना कॉइन के अंदर रिकवरी आने का, जैसे मार्केट ठीक होगा उसके बाद में हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं रिकवरी आने का। अगर टीरा लूना की न्यूज़ अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर जो इंडियन कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो यहाँ पर एयर ड्रॉप है स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिप्टो होल्डर्स फेस 30% टैक्स ऑन लूना 2.0 एयर ड्रॉप। जैसे कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगाया है, तो अभी समय के बीच में लूना जो 2.0 का जो एयर ड्रॉप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है तो उस पर भी यहाँ पर जो 30% टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा जो एयर ड्रॉप लोगों को मिला है, अगर किसी को एक ₹100 एयर ड्रॉप मिला, अगर लूना कॉइन का प्राइस सपोज़ अगर 3-4 हज़ार रुपया हो जाता है तो उनको ₹100 से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तो उसमें से 30% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो उसको लेकर जो लोग थोड़ा सा टेंशन में है यहाँ पर जो कि गई से एयर ड्रॉप
मिल रहा है उस पर भी टैक्स हमको पे करना पड़ेंगे। बाकी गाइस यहाँ पर और भी जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसके अंदर बहुत ही जल्द हमको लूना का एयर ड्रॉप देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी यहाँ पर जो जो लोगों को कम करके एयर ड्रॉप मिला था उनको फिर से अगेन यहाँ पर एयर ड्रॉप यहाँ पर जो लूना फाउंडर की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा लूना फाउंडर ने कुछ दिन पहले बोला था। जो जो लोगों को कम करके मिला उनको फिर से यहाँ पर जो एयर ड्रॉप मिलने वाला है, तो एयर ड्रॉप को लेकर आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। और लूना कॉइन की बात करें तो लूना कॉइन को आप डेफिनेटली होल्ड करके रखो। अभी इस समय के बीच में अगर आप बाय ना करो, अगर आपसे नहीं होता तो आप बाय मत करो, लेकिन किस यहाँ पर आप सेल मत करो, होल्ड करके रखो। ऐसे कुछ दिन गुजरेंगे उसके बाद में पंप हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे आज की इस वीडियो के अंदर ये अपडेट थी लूना कॉइन से रिलेटेड। आई होप कि आपका मन में जो भी डाउट था सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई डियर फैमिली, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना।